सर, आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहां पर इन्वेस्टमेंट सही तरीके से किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे लोगों के अभी मुझे फोन कॉल्स भी आते हैं और यहां पे कमेंट भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमेंट भी आते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यमुना को सेलेक्ट करना चाहिए या फिर ग्रेटर नोएडा 30 प्लॉट के अंदर जाना चाहिए। सर, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपके बजट के अकॉर्डिंग, यानी बजट के हिसाब से भी प्रॉपर्टी हो तो अवेलेबल होगी एंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप इंस्टेंटली वहां पे या तो आप रेंटल इनकम के पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप रेजिडेंशियल पर्पज के लिए रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो आपके लिए ग्रेटर नोएडा बहुत बेहतर है आज की डेट में। अगर आप यमुना के अंदर देखोगे तो यमुना के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर ही है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कोई भी इस ऐसा कोई खास रहने लायक कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे पर अगर आप जाओगे, आप किसी भी सेक्टर के अंदर आप जाइए, आपको टोटल खाली एरिया ही देखने को मिलने वाला है। फिर भी वहां पर आज की डेट में अगर रेट की स्टेबिलिटी देखोगे तो काफी हद तक काफी बेहतरीन तरीके से रेट वहां पर अभी हाइक हो चुका है। और आज की डेट में अगर अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नोएडा को अगर कंपैरिजन करें तो थोड़ा बहुत ही फर्क है उसके ग्रेटर नोएडा के रेट में एंड यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के रेट में। तो आज की डेट में कहां पर इन्वेस्टमेंट बेहतर हो सकती है, सर, आज की वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले आपको अपनी नीड को जानना पड़ेगा, क्योंकि आपको किस हिसाब की नीड है, यानी कि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं तुरंत ही या तो आपको वहां से रेंटल इनकम अर्न करना है या फिर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, तो आपको पहले अपना थॉट क्लियर करना पड़ेगा कि आपकी बेसिक नीड क्या है, किस टाइप के प्रॉपर्टी में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। या तो आप इंस्टेंटली रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो मैं प्रेफर करूंगा कि ग्रेटर नोएडा में आपको इंस्टेंटली रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, आप यहां पर बिल्डअप हाउस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इवन कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहां से इंस्टेंटली रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि भैया हमको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए रहने के हिसाब से, तो ग्रेटर नोएडा ही आज की डेट में एक ऐसा सिटी है जो लोकेशन के मामले में काफी बेहतर कनेक्टिविटी रखता है। जैसे कि आपको अगर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करना है तो आप हार्डली परिचौक से 5 से 10-15-20 मिनट की मैक्सिमम दूरी आपको यहां से देखने को मिलेगी, चाहे आपको ट्रैफिक मिले ना मिले, ऑलमोस्ट यहां से 10 से 15 मिनट में आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज, यहां से कनेक्टिविटी आ जाती है ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे की, तो परीचौक से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे, काफी बढ़िया कनेक्टिविटी बन जाती है परीचौक से के नियर बाई के सेक्टरों से। इनफैक्ट अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट करना चाहें तो ऑलमोस्ट परीचौक से 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही आपको यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आप मिल जाएगी। अब बहुत सारे लोग इस तरीके से भी कि हमें को भाई एयरपोर्ट के पास इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक अलग सिनेरियो हो गया। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यमुना एक्सप्रेसवे की साइड जा सकते हैं। अगर आप रेट कंपैरिजन करोगे आज की डेट में तो गाजियाबाद, नोएडा एंड दिल्ली के, अगर इस तीनों को शहरों को कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ग्रेटर नोएडा के अंदर आज भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस है प्रॉपर्टी का अगर आप परचेज करोगे तो। क्योंकि आप ये चीज देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड गाजियाबाद के अंदर कम से कम 1.5-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए इस तरीके का पर स्क्वायर मीटर के रेट आपको प्रॉपर्टी के मिलने वाले हैं। लेकिन आज की डेट में यहां पर 1.25 लाख रुपए मीटर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी वाले सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है, स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जो भी बेसिक नीड से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सारी सुविधाएं आपको सेक्टर के अंदर ही मिल जाती हैं। फुली ऑक्यूपाइड ये सेक्टर है, बहुत अच्छे ग्रीन एरिया है, रोड वगैरह की कोई दिक्कत नहीं, आप घर के सामने ही, रोड इतनी चौड़ी रहती है ग्रेटर नोएडा के अंदर कि घर के सामने ही आप कार पार्क कर सकते हैं अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात ही यहां पर दिल्ली की तरह या फिर गाजियाबाद की तरह कोई कंजेस्टेड वाला मामला नहीं है। तो सेक्टर को काफी अच्छे तरीके से प्लानिंग से बसाया गया है। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो चीफ रेट आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ यमुना के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको अगर आप 10, 12, 15 साल अगर होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट और बड़े बड़े जितनी भी परियोजनाएं वहां पर आ रही हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की डेट में बहुत ही बढ़िया रेट है। और ये ऊपर नीचे जाता आता रहता है, तो देखो रेट में फ्लक्चुएशन तो आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है वो परमानेंटली डाउन जा रहा है। तो आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके, चाहे वो आप 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है या फिर आपकी 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो कोई भी आप अमाउंट में फिगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर, तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए अगर जाना है तो आप यमुना एक्सप्रेस वे जा सकते हैं। अगर आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए रहने के हिसाब से या फिर रेंटल पर्पज के हिसाब से तो आप ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट करिए, यहाँ की प्रॉपर्टी आपको पैसा तो आपका डबल करेगी करेगी, इनफैक्ट आपको इंस्टेंटली यहाँ पे आप रेंटल इनकम या फिर रहना स्टार्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर बात आ जाती है बजट की, यानी कि आपका बजट ये डिसाइड होना चाहिए कि आपका बजट कितना है और किस तरीके की प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपको मैंने दोनों सिनेरियो बता दिए हैं। अगर आपको रेडी टू मूव चाहिए तो ग्रेटर नोएडा जा सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आप यमुना अथॉरिटी की प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। तो आज की डेट में अगर बजट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो कम से कम 1.25 लाख रुपए मीटर के हिसाब से आपको ग्रेटर नोएडा के अंदर प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। चाहे आप किसान कोटा प्लॉट देखें तो ऑलमोस्ट कम से कम 70,000 रुपए से लेकर आपको 80-90,000 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको सेमी कमर्शियल प्लॉट मिलेगा, जो कि आसपास फुल ऑक्यूपाइड सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। ये सेक्टर आसपास के काफी बेहतर सेक्टर माने जाते हैं। तो जैसे ही यहां पे न्यू नोएडा का काम चल रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया बूम करने वाली है प्रॉपर्टी भी। अगर आप कोविड के टाइम पे भी अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देते ग्रेटर नोएडा के अंदर, तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कोविड से लेकर अभी तक प्रॉपर्टी का डबल प्राइस हो चुका है। तो एप्रिसिएशन की कोई टेंशन नहीं है, यहां से आगे एप्रिसिएट होता रहेगा और यहां पर रेट इंक्रीज होते रहेंगे, क्योंकि आप आसपास, मैंने आपको बताया नोएडा गाजियाबाद में कंपैरिजन करोगे तो उसके हिसाब से बहुत रीजनेबल रेट है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो। करें यमुना के अंदर, तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में अगर आप कम बजट के अंदर भी जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको सेमी कमर्शियल प्लॉट में किसान कोटा प्लॉट ऑप्शन मिलेगा। अगर आप हाईली रिकमेंडेशन प्रॉपर्टी में जाते हैं, जो कि वहां पर अथॉरिटी प्लॉट है सेक्टर 18-20 या फिर सेक्टर 22D के अंदर, इसमें छोटे साइज के प्लॉट अगर आप देखेंगे 120 और 162 स्क्वायर मीटर, तो सेक्टर 22D के अंदर आपको मिलेगा रजिस्टर्ड प्लॉट, जो कि आज की डेट में 120 मीटर का भी 1.25 करोड़ रुपए 20 लाख रुपए के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है रजिस्टर्ड। अगर आप सेक्टर 16-17 के अंदर आप दे जाएंगे अनरेज, तो 95 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की वैल्यूएशन आज की डेट में वहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन वहां पर इतना पैसा लगा के भी आपको कम से कम 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, तभी वहां से आप एप्रिसिएशन ले सकते हैं। यानी कि आप इंस्टेंटली कोई भी वहां से आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। अगर आपको इंस्टेंटली फायदा चाहिए अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो आप ग्रेटर नोएडा के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसके अंदर आप प्रॉपर्टी परचेज करिए या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए जहां से आपको इंस्टेंटली रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो। यहाँ पे किस तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सो देखिए यार, जिन लोगों का कम बजट है वो या तो आप अथॉरिटी फ्लैट के अंदर जा सकते हैं, जो कि बढ़िया प्रॉपर्टी होती है, वो भी ग्रो करने वाली है डेफिनेटली, या फिर बिल्डर्स के फ्लैट में या आप किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आप जाएंगे तो ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए का रेट देखो बिल्डर का भी यमुना के अंदर भी आपको मिलेगा। चाहे आप गौरी यमुना सिटी की बात करें, न्यू प्रोजेक्ट एक लॉन्च हुआ था इस ग्रुप के नाम से, उनका भी अगर आप देखेंगे तो 1.25 लाख रुपए से भी ऊपर का रेट है पर गज के हिसाब से। तो रेट काफी बेहतर तरीके से यहाँ पे बढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप न्यू लॉन्चिंग में भी देखेंगे तो इतना रेट है, तो यहाँ पे एप्रिसिएशन का तो कोई टेंशन है ही नहीं। आपका इन्वेस्टमेंट जो वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ग्रो करने वाला है, चाहे आप ग्रेटर नोएडा के अंदर जाओ, चाहे आप यमुना एक्सप्रेस वे। मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है कि आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा आपको नीड कैसी है आपकी, यानी कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप पूरा पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो यमुना के अंदर सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर एंड 4000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम 10 साल बाद या 15 साल बाद वहां पर अपना कोई भी आशियाना बनाएं या फिर घर बनाएं, तो वो बहुत बेस्ट लोकेशन है, क्योंकि नियर बाय की कनेक्टिविटी है, वो फिल्म सिटी की है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको पता है वहां। हम 10 से 12 किलोमीटर आप मान के चलिए कि 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस वहां से एयरपोर्ट की है। तो आप ये सोचते हैं कि भाई हम आज इन्वेस्टमेंट करें और आने वाले 10 साल बाद या 15 साल बाद वहां पर हम अपना घर बनाएं, तो एक वेल प्लान सिटी आपको यहां पर मिलने वाली है। काफी बेहतरीन कनेक्टिविटी है, रोड सबसे चौड़े मुझे लगता है एनसीआर के अंदर वहीं पे बनाए गए, यमुना के अंदर मिनिमम रोड जो वो 12 मीटर की रहने वाली है, 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर एंड उसके बाद 45 मीटर और 60 मीटर की कनेक्टिविटी ये सेक्टरों को मिली हुई है। तो काफी बढ़िया कनेक्टिविटी है रोडों से भी, एक्सप्रेस वे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, कनेक्टिविटी वाइज काफी बेहतरीन लोकेशन है यमुना एक्सप्रेस वे की। तो अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारा हो लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप यमुना एक्सप्रेस वे इन्वेस्टमेंट करिए। किसान कोटा प्लॉट ऑप्शन मिल जाता है बिल्डर्स के लिए, बिल्डर के प्रॉपर्टी में आप जा सकते हैं, वो भी ऑलमोस्ट जैसे गौरी यमुना सिटी हो गई या फिर एस ग्रुप हो गया। एटीएस का प्रोजेक्ट भी है जो कि यहां पे अभी आप प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, तो काफी बढ़िया प्रोजेक्ट है ये, बिल्कुल रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देते हैं आपको। अगर आपको बिल्कुल ही कम बजट है, जो कि आप बिलो या तो 25 लाख या 30 लाख रुपए इस तरीके का बजट है, तो या तो आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट किसान कोटा के अंदर जा सकते हैं या फिर आप आबादी के अंदर जा सकते हैं, जो कि आबादी लाल डोरा के अंदर आपको मिलेगी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली उस पे भी एप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है। आई होप कि आज की वीडियो के हिसाब से आपको पूरा कंपैरिजन पता लग गया होगा कि आपकी नीड के हिसाब से आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आपको अच्छी एक रिसर्च करके ही आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत यमुना के अंदर आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, वहां पे बहुत फ्रॉड प्रॉपर्टी भी सेल करी जा रही है। तो उन लोगों से बचकर रहें, उन लोगों से सावधानी बरतें अपनी, और
अच्छी खासी जांच पड़ताल एंड प्राधिकरण के अंदर पूरी डिटेलिंग चेक करके ही अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर कोई भी एडिशनल जानकारी चाहिए या फिर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस वे पर हो या फिर ग्रेटर नोएडा के अंदर हो, तो किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरीज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, बाय।